हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 पीसी में 0x8007001 एरर को कैसे फिक्स करते हो, मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, टास्क मैनेजर में जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखिए विंडोज एक्सप्लोरर राइट क्लिक करना है, उसके राइट क्लिक करके आपको रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। विंडोज एक्सप्लोरर रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्लोज कर देना है, विंडोज सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, उसके बाद आपको जाना है विंडोज सिक्योरिटी में। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। उसके बाद आपको जाना है मैनेज सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन अनेबल रहा तो आपको डिसेबल कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लोज कर देना है, कमेंट प्रॉम्प्ट में जाना है, रेड क्लिक करना है, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, एसएफसी फॉरवर्ड स्लैश स्कैन नाउ इंटर कर देना है। आपको 100% होने तक वेट करना है, 100% होने के बाद आप इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको अपना पीसी एक बार रिस्टार्ट करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्सिला चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट।